नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं खुद करती हूँ। आज मैं कॉकटेल समोसे बनाने जा रही हूँ। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो चलते हैं समोसे बनाने। तो समोसे बनाने के लिए मैदा, नमक, घी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पिसी हुई, चाट मसाला, ब्रेड क्रम्स और आलू। कॉकटेल समोसे बनाने के लिए पहले हम डो बनाएंगे। उसके लिए मैदा जो है बड़े बर्तन में पहले इस तरह से डाल लेंगे। फिर इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे हम मोयन को मिलाएंगे मैदे में। इसका आटा हमें उस तरीके से बनाना है जैसे समोसे का होता है, बिल्कुल उसी तरह का आटा इसे हमें बनाना है, उसी तरह का मोयन डालना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि आटे की एक ही पहचान है, इसको जब मोयन मिल जाएगा तो आप इसको मुट्ठी में जब लेंगी तो ये बिल्कुल इस तरह से बंध जाएगा। ये देखिए, अब आटे में बिल्कुल जो है मोयन मारा मिक्स हो गया है। ये देखिए, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गूंदेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे हम, नहीं तो हमारा आटा गीला हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को हम गूंदेंगे। आटा हमारा ना बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए ना बहुत ही मुलायम होना चाहिए। देखिए, ये आटा हमारा बिल्कुल गूंद के तैयार हो गया है। अब इसको सेट होने के लिए हम कम से कम 8 से 10 मिनट ढक करके रख देंगे। तब तक हम जो है स्टफिंग का, अब ये आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरह से मैश करने के बाद इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। आलू हमारा मैश हो गया है। अब इसमें हम जो है ब्रेड क्रम्स, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा चाट मसाला। अब इसको हम मैश कर लेंगे। अभी देखिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गया है और हम अब आगे की, अभी हमारा आटा देखिए बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसके हम जो है रोटी के बराबर पेड़े बनाएंगे इस तरह से और इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। फिर इसमें स्टफिंग लगाएंगे इस तरह से। देखिए
देखिए इस तरह से जो है पेड़े बना लेंगे और फिर इसकी हम रोटी बनाएंगे। अभी देखिए बिल्कुल जो है इसमें स्टफिंग हम भर दिए हैं। अब इसकी हम जो है रोल बनाएंगे। रोल को हमें बिल्कुल सख्त बनाना है, टाइट इस तरह से। ये देखिए ये रोल हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे हम जैसे समोसे को बंद करते हैं उस तरह से इसको हम बंद करेंगे ऐसे, और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, फिर निकाल के इसको हम इसका सेक देंगे। ये देखिए बिल्कुल ये हमारा तैयार हो गया। इस तरह से हम सब बना लेंगे। बनाने के बाद हम फ्रिज में इसको 10 से 12 मिनट तक रख देंगे और जब ये थोड़ा सख्त हो जाएगा तब हम इसे सेक देंगे और फिर तलेंगे हम। ये देखिए बिल्कुल मेरा आटा जो है तैयार है और फ्रिज में रखने से देखिए जो है बिल्कुल सख्त हो गया है, कड़ा है। अब ये काटने में थोड़ी आसानी होती है इससे और ये कुरकुरा होता है इससे। तो इसके हम छोटे छोटे पीस काट लेंगे इस तरह से। बिल्कुल आराम आराम से काटेंगे तब शेप अच्छा आएगा। लेंगे पतला पतला। अब ये देखिए इस तरह से काट लेंगे हम सारे पीस, काट के फिर हम इसको तलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब इस तरह से हम इसको तल लेंगे ऐसे। स्टफिंग में ब्रेडक्रम्स इसलिए डाला जाता है आलू बाहर लाने के लिए। आप सराहना ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आप सराहना जितना करेंगे हम उतनी अच्छी डिश ले आएंगे। देखिए कॉकटेल समोसे, ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी है। इसे पिनव्हील समोसे भी बोलते हैं और ये ग्रीन चटनी और सॉस से खाते हैं। आप अपनी इच्छा के साथ जो भी आपकी चटनी पसंद है उस चीज से खाइए और आनंद उठाइए। देखिए देखने में कितनी खूबसूरत है और खाने में कितना टेस्टी होगा।